सोलन में नगर परिषद शहर को डस्टबिन फ्री बनाने की घोषणा कर चुका है और शहर के अधिकतर वार्डों से कूड़ादान भी हटाए जा चुके हैं, लेकिन ये योजना खास तौर पर दम तोड़ती नजर आ रही है क्योंकि जो कूड़ा पहले कूड़ादानों में होता था अब वे सड़कों पर बिखर रहा है। शहर में फैला ये कूड़ा जहां एक ओर शहर की सुंदरता पर ग्रहण लगा रहा है, वहीं दूसरी ओर गर्मियों के समय बीमारियों को भी न्योता दे रहा है। सोलन में नगर परिषद शहर को डस्टबिन फ्री बनाने की घोषणा कर चुकी है और वह शहर के कई वार्डों से कूड़ादान हटा चुकी है, लेकिन ये योजना खास तौर पर दम तोड़ती नजर आ रही है क्योंकि जो कूड़ा पहले कूड़ेदानों में होता था अब वह सड़कों पर आ चुका है। शहर में फैला ये कूड़ा जहां एक ओर शहर की सुंदरता पर ग्रहण लगा रहा है, वहीं दूसरी ओर वह गर्मियों के समय में बीमारियों को न्योता भी दे रहा है, जिसके चलते शहरवासी बेहद चिंतित हैं और उन्होंने नगर परिषद से व्यवस्था सुधारने की अपील भी की है। शहरवासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि नगर परिषद ने डस्टबिन इसलिए उठाए थे ताकि कर्मचारी कूड़ा डोर टू डोर एकत्रित कर सकेंगे और किसी को भी कूड़ा गिरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि नगर परिषद ने डस्टबिन तो उठा लिया है लेकिन कूड़ा उठाने के लिए कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते क्षेत्रवासी कूड़ा सड़कों पर गिरने को मजबूर हो चुके हैं, जिसके चलते शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग चुके हैं और बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। इसलिए उन्होंने गुहार लगाई है कि वे व्यवस्था को दुरुस्त करें ताकि शहर की छवि सुंदर हो और शहरवासी स्वस्थ रह पाएं। एक तो सरकार ने जो ये स्कीम चलाई है कि सोलन को कूड़ा फ्री कर देंगे, मतलब डस्टबिन फ्री करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब इनकी ये पूरी नहीं दिख रही है, मुहिम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। लोगों ने यहाँ पे रोड पे ही अपना गंदा गंदी कचरा कुचरा सब रोड पे फेंक दिया है और सरकार से मेरी यही गुजारिश है, या तो वापस अपने डस्टबिन यहाँ रखवा दीजिए जब तक इनकी स्कीम नहीं चलती है, और ना इनके कोई बंदे घर पे आ रहे हैं कि हम कूड़ा चकेंगे वो करेंगे। जैसा कि कुछ दिनों पहले एनसी कमेटी ने यहाँ पर सोलन में जो भी डस्टबिन्स हटाने की जो मुहिम चलाई थी, डस्टबिन फ्री सोलन को करने की कोशिश की थी, उसमें बिल्कुल भी मैं समझता हूँ सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि लोगों ने कूड़ा जो है उसी जगह पे, उसी स्थान पे जहाँ पर डस्टबिन रखे गए थे वहीं पर फेंकना शुरू कर दिया है। और इसमें एनसी की तरफ से जो लोगों के घर घर जाकर कूड़ा उठाने की मुहिम थी वो भी सक्सेसफुल नहीं हुई। टूरिज्म के हिसाब से भी सोलन काफ़ी अच्छा शहर माना जाता है, टूरिस्ट जो भी चंडीगढ़ से आते हैं वाया सोलन होते हुए शिमला के लिए निकलते हैं तो उनके ऊपर भी बैड इम्पैक्ट सोलन का पड़ता है, सोलन की जो इमेज है वो ख़राब होती है इस वजह से। पिछले कुछ दिनों से सोलन शहर में म्यूनसिपल कमेटी ने जो मुहिम चलाई है डस्टबिन फ्री करने की, वो एक हद तक बहुत अच्छी है, पर लोग अभी भी वहीं कूड़ा फेंक रहे हैं जिससे बीमारियाँ फ्लू बीमारियाँ फैल रही हैं कूड़ों से। मेरा ये मानना है कि डस्टबिन फ्री होना चाहिए लेकिन म्यूनसिपल कमेटी को वहाँ से कूड़ा भी उठाना चाहिए।